total amount after 3 quarters would rupees 13,310. If the rate of the interest is 40% per annum and compounding perform quarterly, okay? ये वाला वर्ड को ध्यान में रखना है. डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू. ओके, ये तो अमाउंट है मेरा. अमाउंट मेरा गिवन है कितना, 13,310. ओके, क्वार्टरली बोला है. देखिए क्वार्टरली के लिए क्या करना है, जो आपको रेट है वो क्या करना है, 3/12 से मल्टीप्लाई कर लेना है. रेट मेरा क्या दिया है, 40%. उसको मैं 3/12 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या, 3 1 3 3 4 जा, और ये 4 1 4 4 10 जा, यानी कि 10% आ जाएगा. ओके, 10% मेरा रेट आ गया. क्वार्टरली बोला है इसलिए 3 बार करेंगे. ओके, तो ये तो अमाउंट हो गया. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल पता नहीं, एक्स मान लेते, वही ढूंढ रहा हूँ. और 3 बार. ओके, 10%, यानी कि 110 3 बार. ओके, एक बार हो गया, और यहाँ पे और एक बार, और लास्ट वन डे 3 बार. ओके, तो आप कैंसिल कर लेते. देखिए ये जी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 11 11 और ये 11, ये सब कैंसिल हो गया. ओके, 3 टाइम्स सब 11. यहाँ पे एक जीरो है, ये जीरो और ये जीरो, और यहाँ पे एक जीरो है, ये जीरो. बचा कितना है, एक्स इक्वल्स टू 1 1 2 3 4. यही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा. यही मेरा आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर सी. थैंक यू.